नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो महत्वपूर्ण बैठक 5 मार्च 2020 को संपन्न हुई है, तो इस बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई, कौन कौन से फैसले लिए गए, कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, ईपीएफ पर जो मिलने वाला ब्याज दर है वो क्या लिया गया, तो इन सभी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट सीबीटी की बैठक के संदर्भ में है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सीबीटी की बैठक में जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए और फाइनलाइज किए गए हैं तो उसी के संदर्भ में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट था तो पीएफ पर जो मिलने वाला ब्याज दर है तो उसके संदर्भ में, तो यहाँ पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट हैज बीन डिसाइडेड एज 8.5% बीएमएस रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद सीबीटी मेंबर protested on this and demanded to maintain 8.65% previous interest rate, but due to non-availability of extra income generation, FISC recommended for 8.5% only. तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो पीएफ पर मिलने वाला ब्याज दर है तो उसे जो है वो वार्षिक 2019-20 के लिए जो है वो 8.5% जो है वो घोषित किया गया। उसके बाद जो है वो केंद्रीय बोर्ड ने 15 साल के बाद सामान्य पेंशन की पुष्टि और इसकी सराहना की, लाभान्वित होने वाले 6.3 लाख पेंशन भोगियों को लाभान्वित किया जिन्होंने ईपीएस 1995 के पूर्व पैरा 12A के तहत 25/2/2008 से पहले कम्युनिकेशन का विकल्प चुना था। उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों अगला अपडेट जो है वो है, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ बीएमएस डेलीगेट रेज द इशू रिलेटिंग टू एनहांस द मिनिमम पेंशन टू ₹5,000। ऑनरेबल चेयरमैन एश्योर द वर्कर्स दैट मैटर इज पेंडिंग विद फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड वेरी सून डिसीजन विल बी टेकन अप। दोस्तों पेंशन धारकों की जो मांग है कि उनकी पेंशन को मिनिमम जो है वो ₹5,000 किए जाए तो इसका मुद्दा भी यहाँ पर बीएमएस के जो डेलीगेट्स है तो उन्होंने उठाया। माननीय चेयरमैन जी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि यह मुद्दा पहले से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन में पेंडिंग है और इसके ऊपर जल्दी फैसला जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो अपडेट था तो वो है बीएमएस प्रोटेस्ट टू हैव वो आयुष्मान भारत मेडिकल स्कीम फॉर ईपीएस 95 पेंशनर्स एंड बोर्ड एक्सेप्टेड टू कंसीडर। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करने का भी मुद्दा यहाँ पर उठाया गया और बोर्ड ने जो है उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर कंसिडर किया है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो अपडेट है वो है बोर्ड अप्रूव टू एक्सटेंड इडली बेनिफिट ऑफ ₹2.5 लाख टू 6 लाख एश्योरन कंटिन्यूटी विच वॉज इनिशियली अप्रूव्ड फॉर 2 ईयर। बीएमएस डिमांडेड टू इंक्रीज मिनिमम एश्योरेंस बेनिफिट टू 3 लाख इंश्योर ऑफ 2.5 लाख विच वॉज एक्सेप्टेड। रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज अप्रूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली एलिजिबल पेंशनर्स विल गेट एरियर्स ऑल्सो। Then BMS demanded to early settlement of various court cases on higher pension related grievances. Then EPFO has proposed a new contributory pension scheme in place of EPF 95 scheme for new recruiters, but board has deferred the item for study. Then next update is BMS demanded for monthly reviews of investment made to protect the workers' money from any downgrade companies was approved by board. BMS demanded to expand the activity of EPFO to every revenue district by opening district offices was approved by board. तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़े फैसले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए जिनमें कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण थे पीएफ पर मिलने वाला ब्याज, उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है वो, उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मेडिकल सुविधा है आयुष्मान भारत के तहत, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसके बारे में जो है वो महत्वपूर्ण फैसले जो है वो दिए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो इसके ऊपर माननीय चेयरमैन
मंत्री द्वारा यानी श्रम मंत्री जी द्वारा कहा गया कि यह मुद्दा पहले से ही वित्त मंत्रालय के साथ विचाराधीन है और इसके ऊपर जल्द ही फैसला जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ये जो अपडेट थे, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी दी। ये जो डिटेल आर्टिकल आपका आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक भी मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये सारे मुद्दे जो है वो अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उससे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।